वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंट सरमार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हम किसी भी विद्युत उपकरण के वाट कैसे निकाल सकते हैं। तो टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं, चलते हैं अपनी वीडियो में। तो देखिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि वाट क्या होता है। तो देखिए वाट क्या है, वाट यह बताता है कि कोई उपकरण कितनी तेजी से ऊर्जा का उपयोग या ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, कोई भी उपकरण कितनी तेजी से एनर्जी को कंजम्पशन कर रहा है या एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहा है, या किसी भी उपकरण की शक्ति को जिस इकाई में मापा जाता है उसे वाट कहा जाता है। ठीक है, अच्छा अब हमें समझना पड़ेगा कि हमारे दो तरीके के उपकरण होते हैं, हमारे उपकरण दो तरीके के होते हैं जो हम बिजली के, जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी अप्लायंसेस यूज करते हैं अपने घर में, वो दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं हमारे छोटे उपकरण, ठीक है, छोटे उपकरण होते हैं, स्मॉल इक्विपमेंट होते हैं, कुछ बड़े उपकरण होते हैं। ठीक, कुछ छोटे उपकरण है, कुछ बड़े उपकरण है। अच्छा, छोटे उपकरण को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वो वाट होती है। ठीक, और बड़े उपकरण को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वो क्या होती है, वो होती है हमारी किलोवाट। क्या होती है, किलोवाट। ठीक है, तो किलोवाट वाट का ही पार्ट है। ठीक है, किलोवाट कैसे बना लेकिन, तो देखिए एक किलोवाट बराबर क्या होता है, 1000 वाट। ठीक है, जैसे कोई मोटर है 1000 वाट की है, 2000 वाट की है, 3000 वाट की। ठीक है, कोई हमसे पूछे मोटर कितने वाट की है, कोई ये नहीं पूछेगा। तो अगर कोई मोटर बड़ी है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि ये 1000 वाट की है, 2000 वाट की है, 3000 वाट की। हम क्या बोलेंगे कि ये 1 किलोवाट की है, या ये 2 किलोवाट की है, या 3 किलोवाट की है। वहां पर हम वाट में नहीं बोलेंगे, वहां पर हम किलोवाट में बोलेंगे। ठीक है, बड़े उपकरण किसमें मापे जाते हैं, किलोवाट में, और छोटे उपकरण मापे जाते हैं वाट में। ठीक है, अब हम समझते हैं हमारी जो विद्युत धारा है, जो हमारा करंट है, जो हमारी विद्युत धारा है वो भी दो तरीके की होती है। ठीक है, एक होता है हमारा डायरेक्ट करंट डीसी, जिसे हम बोलते हैं दिष्ट धारा, दिष्ट धारा। ठीक, और हमारा दूसरा करंट होता है एसी, अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, ये होती है हमारी प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। ठीक, धारा अगर हमें, यानी कि विद्युत धारा की संचरण करना है लंबी दूरी के लिए, तब वहां पर हम अल्टरनेटिंग करंट का यूज करेंगे। ठीक है, जब हमें धारा को, यानी कि विद्युत धारा को कम दूरी के लिए संचरण करना है, तो वहां पर हम डायरेक्ट करंट का यूज करेंगे। ठीक, डायरेक्ट करंट का फ्लो बिल्कुल सीधा होता है इस तरीके से, और जो अल्टरनेटिंग करंट का जो फ्लो होता है वो किस तरीके से होता है, इस तरीके से। ठीक, ऊपर नीचे इस तरीके से हमारा अल्टरनेटिंग करंट का फ्लो होता है। चलिए अब हम समझते हैं कि डीसी यानी कि दिष्ट धारा में हम वाट कैसे निकालते हैं, और प्रत्यावर्ती धारा मतलब एसी यानी कि अल्टरनेटिंग करंट में हम वाट कैसे निकालते हैं। ठीक, तो देखिए डायरेक्ट करंट, और यहां पर हम ले लेते हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, डीसी एंड एसी। अच्छा, यहां पर हम वॉट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, तो वॉट का फॉर्मूला होता है वी मल्टीप्लाई आई, वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर यानी कि करंट। ठीक है, इसको यहां पर हम आई की जगह एवी रख सकते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर। ठीक है, हमारा ये फॉर्मूला है जब हमारा करंट डीसी है, लेकिन जब हमारा करंट एसी है, ठीक, वो भी सिंगल फेस में है, तब हमारे वाट का फॉर्मूला क्या होता है, तब हमारे वाट का फॉर्मूला होता है, सेम फॉर्मूला है, वोल्टेज मल्टीप्लाई आई एंड मल्टीप्लाई पावर फैक्टर, जो फ्रीक्वेंसी है हमारे बिजली की, हमारे इंडिया में जो बिजली की फ्रीक्वेंसी है वो है 50 हर्ट्ज। कितनी है, 50 हर्ट्ज से हमारे यहां बिजली आती है।
और हमारा पावर फैक्टर जीरो से एक तक जाता है। ठीक, मतलब पावर फैक्टर अगर हमारा एक है तो उसको ज्यादा अच्छा माना जाता है। तो मान लीजिए अगर हमारा पावर फैक्टर हो जाता है 0.90, तो इस कंडीशन में हमारी बिजली का 10% लॉस हो रहा है कहीं ना कहीं, चाहे वो तारों में हो रहा है या इंडक्टिव हम जब लोड चलाते हैं वहां पर भी लॉस हो जाता है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का। अच्छा, अब हो गया हमारा पावर फैक्टर 0.80, यहां पर हमारी इलेक्ट्रिसिटी का 20% लॉस हो रहा है। कितना? 20% लॉस हो रहा है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। तो आज हम लाइव देखेंगे कि हम वॉट कैसे निकालते हैं। तो देखिए, ये मेरे पास एक छोटी सी ड्रिल मशीन है और आज हम इसी ड्रिल मशीन के वॉटेज पता करेंगे कि ये ड्रिल मशीन कितने वॉट करंट लेती है। ठीक है, तो यहां पर हम इस ड्रिल मशीन को पहले साइड में रख लेते हैं और सबसे पहले हम ये पता करते हैं कि हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे यहाँ लाइट आ रही है उस लाइट में कितने वोल्टेज आ रहे हैं। अब हम वोल्टेज कैसे पता करेंगे, तो उसके लिए यहां पर मैंने एक क्लैंप मीटर लिया है। ठीक है, पहले हम इस क्लैंप मीटर को निकाल लेते हैं। ठीक है, ये मेरे पास एक क्लैंप मीटर है। ठीक, सबसे पहले हम अपने इस क्लैंप मीटर को ऑन कर लेते हैं। ठीक है, ये ऑफ पे है तो सबसे पहले हम इसको ऑन कर लेते हैं। तो देखिए, ये हो गया एम्पियर चेक होंगे इससे 1000 तक के, ये 200 एम्पियर चेक होंगे और यहां पर हम कर लेते हैं इसको एसी के वोल्टेज पे सेट। ठीक है, अच्छा अब ये एसी के वोल्टेज पे सेट हो गया। अब हमें क्या करना है, तो देखिए हमारे पास ये दो वायर है जो कि हमारे क्लैंप मीटर में आए थे, एक को कर लगा देते हैं हम फेस में और एक को हम कॉमन कर देते हैं। और यहां पर जो हमारे दो वायर है, सबसे पहले हम स्विच ऑन करते हैं और एक को फेस में और एक को न्यूट्रल में, और पता करते हैं हमारे यहाँ इस समय कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ठीक है, और अपने डेटा को हम यहाँ पर होल्ड कर देंगे। तो यहां पर इस समय 241 वोल्टेज हमने रिकॉर्ड कर लिए। ठीक है, और अब हम अपनी ड्रिल मशीन के एम्पियर चेक करेंगे, यानी कि करंट हमारी ड्रिल मशीन कितना ले रही है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, यहां पर इसको यहां से निकाल देते हैं। ठीक है, और इसको ये हो गया 200 एम्पियर तक हम करंट नाप सकते हैं, और अगर हमने इसको 1000 पे कर दिया तो यहां पर हम 1000 एम्पियर तक का करंट नाप सकते हैं इस क्लैंप मीटर से। तो यहां पर ड्रिल मशीन तो कम ही एम्पियर की होती है, तो यहां पर हम इसको 200 पे सेट कर देते हैं। ठीक है, और अब आपको क्या करना है, इस क्लैंप मीटर को आपको जो इलेक्ट्रिसिटी के फेस और न्यूट्रल दो वायर आ रहे हैं, आपको इस तरीके से क्लैंप मीटर नहीं लगाना कभी भी। किसी भी एक वायर में आप इस क्लैंप को लगाएंगे, या तो फेस में या न्यूट्रल में, किसी भी एक वायर में लगा दीजिए। ये जरूरी नहीं है फेस में लगाना है या न्यूट्रल में लगाना है। तो यहां पर मैं किसी भी एक वायर में इसको लगा देता हूं, इसको हम यहां पर रख देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लगाते हैं हमारी ड्रिल मशीन। ठीक है, पहले स्विच ऑफ कर देते हैं और यहां पर हम ड्रिल मशीन के प्लग को लगा देते हैं और यहां पर हम कर देते हैं ऑन इसके स्विच को। ठीक है, और अब हम चेक करेंगे कि हमारी ड्रिल मशीन कितने एम्पियर करंट ले रही है। ठीक है, तो यहां पर हम अपनी ड्रिल मशीन को ऑन करते हैं, 1, 2, 3, 1.2 से 0.6 तक हमारी ड्रिल मशीन ने करंट लिया। मतलब जो ज्यादा से ज्यादा लोड था करंट था वो था 1.2, और जो इसका मिनिमाइज करंट था वो था 0.6। तो इसका जो करंट माना जाएगा एक्चुअल वो माना जाएगा 0.6। फिर से ऑन करते हैं, देखिए 1.2 से 0.6 तक गई है लास्ट। अच्छा, ये शुरू में 1.2 इसने लिया करंट, वो क्यों लिया? तो देखिए, जब मैंने अपनी ड्रिल मशीन को ऑन किया, जब मैंने इसको ऑन किया तो ये कितना लोड ले गई, 1.2। इसका मैक्सिमाइज जो लोड था वो था 1.2, यानी कि वो जो लोड था, जब भी हम किसी उपकरण को या इक्विपमेंट को चलाते हैं तो वो अपने मैक्सिमाइज लोड पे होती है शुरुआत में। अच्छा, वो लोड होता है 1 या 2 सेकंड तक का, फिर वो अपने नॉर्मल लोड पर आ जाती है, तभी इसका लोड था 1.2 एम्पियर इसने लिया था करंट। फिर अपने नॉर्मल लोड पे आ गई, यानी कि 0.6 पे। ठीक है, फिर अपने नॉर्मल लोड पे आ गई, 0.6 जो इसका एक्चुअल लोड था। ठीक है, अच्छा जो इसका ज्यादा लोड जो इसने लिया 0.6 से ज्यादा, यानी कि 1.2 थी तो 0.6 ही ले लिया, यानी कि दुगने लोड पे आ गई अपने। तो वो लोड कौन सा था, वो लोड था जर्क लोड।
जब भी हम किसी इक्विपमेंट को चलाते हैं, स्टार्ट करते हैं, तो वो अपने मैक्सिमाइज लोड पे जाती है जब भी आप स्टार्ट करेंगे, केवल एक या दो सेकंड के लिए। अच्छा, जब मैंने इसको समर से लगा के देखेंगे ना, जब हम इसको क्लैंप मीटर को, जब आप समर भी स्टार्ट करेंगे वो भी अपने मैक्सिमाइज लोड पे जाएगी, फिर वो बाद में डाउन पे आ जाएगी। ठीक, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारे एनर्जी मीटर पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी का इस टाइम करंट पीएफ क्या चल रहा है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। तो देखिए हमारा जो करंट पीएफ चल रहा है वो चल रहा है 0.974, 0.976, 0.977। तो देखिए अभी अभी आपने देखा कि जब हमने वोल्टेज चेक करे अपने क्लैंप मीटर से, तो वहां पर हमारे वोल्टेज कितने आ रहे थे, 241। ठीक, अच्छा हमारे एम्पियर कितने लिए थे हमारी ड्रिल मशीन ने, 1.2 स्टार्टिंग में, 1.2 था जो उसका जर्क लोड था, फिर वापस फिर वो किस पे आ गई थी, 0.6 पे, यानी कि एम्पियर जो माने जाएंगे वो माने जाएंगे 0.6 जो मेन एम्पियर है। ठीक, अच्छा जब हमने अभी जब हमने अपने एनर्जी मीटर पे देखा तो वहां पर हमारा पावर फैक्टर क्या था, 0.976, 0.974, 0.977। ठीक है, इसका मतलब 0.977, तो यहां पर हम 0.97 ही ले लेते हैं, पॉइंट का दो ही नंबर लेते हैं, 6 भी है 4 भी है 7, तो यहां पर हम 0.97 लेते हैं ओनली, 0.97 हमारा ये पीएफ हो गया। इस कंडीशन में भी हमारी 3% बिजली का लॉस हो रहा है, कहीं ना कहीं 3% हमारी बिजली का लॉस है। ठीक, चलिए अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं और हम अपनी ड्रिल मशीन के वॉटेज पता कर लेंगे। ठीक, तो यहां पर हमारा आंसर आ जाता है 140.262। ठीक, मतलब या करके लिख देंगे तो यहां पर ही हो गया 140 वाट ही लेंगे इसको, 140 वाट आ गया, यानी कि जो हमारी ड्रिल मशीन है वो कितने वाट की है, 140 वाट की है। ठीक, कहीं आपको ऐसा नहीं करना जब हमने शुरू में ड्रिल मशीन चलाई थी कहीं आप यहां पर जो मल्टीप्लाई करा दे करंट में 1.2 का, ऐसा नहीं करना है आपको, क्योंकि जब वो तो भाई मशीन उठी थी है ना, मशीन को जब हमने स्टार्ट किया था वो लोड था वो इसका, फिर वापस वो अपने नॉर्मल लोड पे आ गई थी चलते चलते, है ना। जब भी हम किसी भी इक्विपमेंट को चलाते हैं वो शुरुआत में 1-2 सेकंड लोड लेगा, फिर वो अपने नॉर्मल लोड पे आ जाता है। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम वॉट कैसे निकालते हैं हमारे सिंगल फेज में, और वो भी कब, जब हमारा अल्टरनेटिंग करंट है। ठीक, अच्छा वही हमारा अगर जो थ्री फेज में आ रहा है करंट, करंट हमारा थ्री फेज में, तब हम वॉट कैसे निकालेंगे, तब हमारी वॉट की जो कैलकुलेशन होती है वो कुछ इस तरीके से, सबसे पहले हम मल्टीप्लाई कराते हैं रूट थ्री का किससे, वी मल्टीप्लाई आई वोल्टेज मल्टीप्लाई एम्पियर मल्टीप्लाई पावर फैक्टर। ठीक, तो यहां पर हमारे जो रूट थ्री की वैल्यू है, आपको रूट थ्री याद नहीं रहेगा तो यहां पर हम रख लेते हैं रूट थ्री की वैल्यू को, लेकिन याद रखना 1.732, 1.732 गुणा वोल्टेज गुणा एम्पियर गुणा पावर फैक्टर, जो उस समय का करंट पावर फैक्टर होगा वो लेना पड़ेगा आपको। ठीक है, अच्छा अमूमन मैंने अभी अभी बताया पावर फैक्टर एक को सबसे अच्छा माना जाता है। ठीक है, लेकिन जो नॉर्मल जो पावर फैक्टर होता है वो 0.8 से एक तक जाता है हम लोगों के घरों में। ठीक है, लेकिन 0.8 से भी कम आ रहा है तो वहां पर बिजली का ज्यादा लॉस हो रहा है, वो आप फिर चेक कराइए किसी इलेक्ट्रीशियन को बुलाकर कि भाई क्या बात है, ऐसी क्या चीज है, कहां पर हमारी बिजली का लॉस हो रहा है। ठीक, तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि हम किसी भी इक्विपमेंट के वॉट कैसे निकालते हैं।